हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम बैक टू द वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे चार इंटरडे स्टॉक्स के बारे में जो आप कल ट्रेड कर सकते हो, और इन सभी के पीछे का लॉजिक और एनालिसिस पूरा हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो ट्रेडर्स, मैं आपको चार इंटरडे स्टॉक्स प्रोवाइड करूंगा और इन सभी के पीछे का क्या एनालिसिस है, क्या लॉजिक है, ये सब हम देखने वाले हैं। और किस स्टॉक में आप किस पॉइंट पर एंट्री ले सकते हो, क्या स्टॉप लॉस रहेगा, क्या टारगेट रहेगा, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे निफ्टी में क्या परफॉर्मेंस रहा फ्राइडे के सेशन में। तो गाइज़, यहाँ पे आप देख सकते हो कंटिन्यूसली एक ये जो मैंने ट्रेंड लाइन बना रखी है ऊपर के अप साइड में, आप ये वाला ग्रीन ट्रेंड लाइन आप देख सकते हो, यहाँ से कंटिन्यूसली यहाँ पे निफ्टी जो है इसका एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस फेस करा, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, मतलब यहाँ पे सेवरल टाइम्स यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर चुका था, ठीक है, बैंक निफ्टी, सॉरी निफ्टी फिफ्टी। तो यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट भी आपको देखने को मिला था एक फर्स्ट टाइम यहाँ पे, जहाँ पे मैंने एक रेड राउंड बना के रखा हुआ है, ठीक है, ये जो मैंने एक रेड मार्क बना के रखा हुआ है, फर्स्ट टाइम यहाँ पे हमें एक देखने को मिला था फॉल्स ब्रेकआउट, एंड सेकंड टाइम हमें यहाँ पे देखने को मिला था। तो कंटिन्यूसली यहाँ पे आप कंटिन्यूसली देख सकते थे, यहाँ पे कंसोलिडेशन में चला गया था मार्केट, और यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पे ओपन हुआ, फिर गैप अप ओपन हुआ यहाँ से, तो कंटिन्यूसली हमें एक मूव देखने को मिला अपसाइड में। आप देख सकते हो टू ट्रेडिंग सेशन से हमारा जो निफ्टी था, मार्केट हमारा बुलिश था, तो आप वहाँ पे देख सकते हो कंटिन्यूसली बुलिश, और जैसे एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रही थी मार्केट के अंदर, आपको यहाँ पे यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बन रहा था, आप ये वाली ट्रेंड लाइन देख सकते हो, ठीक है, जैसे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया एंड यहाँ पे ये वाला जो लेवल था जो कि एक फॉल्स ब्रेकआउट था, ठीक है, ये वाला एक फॉल्स ब्रेकआउट था, एक एक रेजिस्टेंस के तरह काम करना था मार्केट के अंदर इसको, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक रिस्पेक्ट करी हुई है इस लेवल को मार्केट ने, और यहीं से फॉल करना स्टार्ट हुआ मार्केट। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, मतलब कल के लिए कौन से स्टॉक रहने वाले हैं मंडे सेशन के लिए। जो हमारा फर्स्ट स्टॉक रहने वाला है TCS। तो गाइस, मैं आपको बताऊं, ये जो हमारा फॉल, अभी फॉल चल रहा है ना मार्केट के अंदर, ये अभी कुछ ही दिन रहने वाला है, मतलब जो बोलते हैं ना कि मतलब जो करेक्शन आती है बहुत कम टाइम के लिए आती है, ठीक है, मतलब टेम्परेरी रहती है, एंड जो ग्रोथ होती है परमानेंट रहती है, मतलब ग्रोथ परमानेंट होगी, एंड जो यहाँ पे आपको करेक्शन देखने को मिल रही है ये टेम्परेरी है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे फर्स्ट इंटरेस्ट स्टॉक रहने वाला है हमारा TCS। तो यहाँ पे TCS में क्या एनालिसिस है हमारा, आइए हम यहाँ पे डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। हमारा जो स्टॉक था कंटिन्यूसली बुलिश था, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ पे ख़त्म हुआ, ठीक है, यहाँ से एक ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट हुआ, यहाँ पे बहुत अच्छा एक सपोर्ट लेके अप साइड में गया हमारा स्टॉक, एंड कंटिन्यूसली यहाँ पे एक सपोर्ट ले रहा था, ठीक है, तो यहाँ से भी अप निकलता है हमारा स्टॉक, यहाँ से यहाँ पे फिर से गैप अप ओपन हुआ हमारा स्टॉक, और कंटिन्यूसली यहाँ पे कंसोलिडेशन में चला गया। और जैसा कि मैंने वो बताया कि मतलब फ्राइडे के सेशन में हमें बहुत निफ्टी में फॉल देखने को मिला मार्केट के अंदर, तो उस वजह से यहाँ पे हमारे जो निफ्टी फिफ्टी के स्टॉक्स थे उनमें भी बहुत हैवी सेलिंग देखने को मिली। तो यहाँ से इस लेवल पे ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ से अगर अप निकलता है मंडे के सेशन में तो आप बाय कर सकते हो उसको 3554 पे, एंड जो टारगेट हमारे रहेंगे 3560, एंड सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 3563 का, और जो इसमें SL रहेगा हमारा वो रहेगा हमारा 3546 का, ठीक है गाइज। तो ये था हमारा फर्स्ट एंट्री स्टॉक जिसको आप मंडे के सेशन में ट्रेड कर सकते हो। सेकंड एंट्री स्टॉक्स की बात करूँ गाइज, दैट इज़ टाइटन। टाइटन में क्या एनालिसिस, आइए हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो गाइज, यहाँ पे आप टाइटन में हमारा एनालिसिस देख सकते हो, कंटिन्यूसली एक जोन में हमारा चल रहा है, जो एक चैनल बना के रखा हुआ है टाइटन ने, ठीक है, तो स्टॉक कंटिन्यूसली एक चैनल के अंदर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो हमारा स्टॉक है अभी, इसने जो क्लोजिंग दिया हुआ है
वो हमारे जो सपोर्ट लेवल है इसके नियर ही दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर यहाँ से मंडे के सेशन में यहाँ से अप निकलता है तो आप बाय कर सकते हो इसको 2470 के लेवल पे। एंड जो हमारे इसमें टारगेट रहेंगे, फर्स्ट हमारा जो टारगेट रहेगा 2477, सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 2482 का, ठीक है गाइस। तो ये था हमारा सेकंड एंट्री स्टॉक, जो इसमें एसएल रहेगा हमारा 2462 का रहेगा। तो ये था हमारा सेकंड एंट्री स्टॉक जो आप मंडे के सेशन में ट्रेड कर सकते हो। और थर्ड एंट्री स्टॉक की बात करूँ, दैट इज़ महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा में क्या एनालिसिस है आई हूँ मैं आपको बताता हूँ इधर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा ड्राइंग करके रखा हुआ था मैंने। तो यहाँ पे आप कंटिन्यूसली यहाँ पे देख सकते हो कि एक चैनल में काम कर रहा है। आप वो हॉरिजॉन्टल जोन जो आप अपसाइड में देख रहे हो, एक यहाँ पे एक कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। एंड जो आप बॉटम यहाँ पे देख देख रहे हो, यहाँ पे डाउन साइड में जो हॉरिजॉन्टल जोन देख रहे हो, कंटिन्यूसली यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है हमारा। और बोल सकते हैं यहाँ पे एक कंसोलिडेशन में चला गया है हमारा महिंद्रा एंड महिंद्रा। एंड फॉर इवन यहाँ पे जो फ्राइडे में फॉल आया था उसमें भी यहाँ पे सपोर्ट लेके रखा हुआ है। तो यहाँ से अगर मैं बाइंग साइड की बात करूँ तो बाइंग साइड को लेवल मैं दूंगा आपको यहाँ पे 927 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ से 927 पे निकलता है स्टॉक, तो आप बाय कर सकते हो। जिसमें टारगेट हमारे निकल के आ रहे हैं 934 फर्स्ट टारगेट, एंड सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 938 का। जो इसमें एसएल रहेगा बाइंग साइड में, एसएल जो रहेगा 919 का रहेगा गाइस। तो अगर यहाँ से इन केस यहाँ से फॉल करता है स्टॉक तो गाइस यहाँ से आप सेल कर सकते हो। सेलिंग लेवल हमारा रहेगा 915 915 का। एंड जो इसमें टारगेट रहेगा हमारा, फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 908 एंड सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 904 का। तो इसमें एसएल रहेगा गाइस वो रहेगा 922 का। तो ये था हमारा थर्ड इंट्राडे स्टॉक जिसको आप कल ट्रैक कर सकते हो मंडे के सेशन में, और यहाँ पे बहुत अच्छे प्रॉफिट्स कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस हमारा फोर्थ इंट्राडे स्टॉक है वेदांता। तो वेदांता में क्या एनालिसिस है हमारा, आइए हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो कंटिन्यूसली यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है हमारा स्टॉक कंटिन्यूसली। आप जो यहाँ पे देख रहे हो ये जो मैंने राउंड बना के रखे हुए, कंटिन्यूसली यहाँ पे एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। तो इसका जो क्लोजिंग था आप फ्राइडे के सेशन में देख सकते हो, फॉल होने के बावजूद भी यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे क्लोजिंग दिया हुआ है वो यहाँ पे सपोर्ट के आसपास दिया हुआ है, जो उसका सपोर्ट बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके नियर ही दिया हुआ है एंड यहाँ पे बहुत अच्छा एक ग्रीन कैंडल भी बना हुआ है। तो यहाँ से अगर आप यहाँ से अगर इस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक करता है मंडे के सेशन में तो आप बाय कर सकते हो इसको भी। ये भी बाइंग के लिए हमारा, तो बाय कर सकते हो उसको 413 के लेवल पे। एंड जो टारगेट हमारे इसमें रहेंगे 416 एंड 418 के लेवल रहेगा, ठीक है गाइज। एंड जो एसएलएस में बनेगा हमारा 410 का बनेगा। तो ये था हमारा फोर्थ इंट्राडे स्टॉक जिसको आप मंडे के सेशन में ट्रेड कर सकते हो एंड बहुत अच्छे प्रॉफिट्स कर सकते हो। ये जो मैंने 4 स्टॉक्स आपको प्रोवाइड करे इनको आप जरूरी जरूर से ट्रैक करना, एंड खुद का एनालिसिस भी इसमें ऐड कर सकते हो आप। जो मैंने एनालिसिस आपको करके दिखाए हैं यहाँ पर वो आप अपने ट्रेडिंग व्यू पे भी कर सकते हो। एंड इससे क्या होगा गाइस कि मतलब आपके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा ट्रेड लेने का, ठीक है गाइस। तो ये था हमारा एनालिसिस वीडियो और 4 स्टॉक आपको बता दिए मैंने। एंड जो फर्स्ट पिक की बात करूँगा इसमें, तो मेरा फर्स्ट पिक रहेगा महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो आप उसको ज़रूर से ट्रैक करना क्योंकि बहुत अच्छे प्रॉफिट्स आपको देखने को मिलेंगे उसके अंदर। या तो आपको सेलिंग लेवल्स मिलेंगे उसके अंदर या तो बाइंग्स लेवल, ठीक है गाइज। तो उसमें मैंने आपको दोनों ही लेवल्स प्रोवाइड करे हुए हैं, तो अपने हिसाब से आप ट्रेड प्लान कर सकते हो, ठीक है। इस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।